नमस्ते साथियों, आज है दशहरा येवला मंडी और दशहरा येवला मंडी में ऊना से घोड़ा खरीदने के लिए कुछ लोग आए थे जो स्कूल के टीचर हैं और ये घोड़ा उन्होंने राइडिंग स्कूल के लिए लिया है। तो उनसे जानेंगे इस घोड़े के बारे में और उनका क्या अनुभव वगैरह रहा है, मंडी का ये भी पूछेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। घनश्याम। घनश्याम जी, सर आप कहाँ से हो? पुणे से। अब और अपने घोड़े का शौक, मतलब घोड़ा आज कैसे, क्या हिसाब से लेना है? क्या आप बच्चों के लिए लेना है? अच्छा, राइडिंग करेंगे। अच्छा, स्कूल है क्या अपने? स्कूल है। अच्छा अच्छा, तो कितने बच्चे वगैरह पढ़ते हैं उधर? 1000 बच्चे। 1000, तो अभी ये फर्स्ट घोड़ा है क्या राइडिंग के लिए? यानी स्कूल में ही पहली बार घोड़ा जाएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो साथ में आपके कौन कौन आया था अभी? अभी सर आए, स्कूल के फाउंडर है। अच्छा 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 अच्छा, और 8 बजे पहुंचे जब बाजार खुला था। हाँ हाँ हाँ, और अभी बहुत बड़ी रश दिख रही है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, और बहुत ही बड़ा बाजार है। बराबर बराबर, नहीं एक्चुअली 5-6 साल के बाद में इतनी बड़ी मंडी भरती है। मैं भी बहुत दिनों से आता हूँ लेकिन इतनी बड़ी मंडी मैंने भी पहली बार देखी, पिछले साल इतनी नहीं थी। तो सर जी सबसे पहले अपना भी नाम बताइए थोड़ा। मैं मल्हार कुंजीर हूँ। हाँ हाँ, और कुंजीर पब्लिक स्कूल। अच्छा अच्छा, हमारे स्कूल के लिए हम घोड़ा खरीद रहे थे। हाँ हाँ हाँ, तो आपका जो चैनल है यूट्यूब का, उसके थ्रू आपका ये घोड़े का इन्फॉर्मेशन मिला। अच्छा, येवला मंडी का इन्फॉर्मेशन मिला। अच्छा अच्छा, थैंक यू सब सब्सक्राइबर की विशाल सर की वजह से हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिला और डायरेक्टली पुणे से हम यहाँ पे आए। बिल्कुल, और थ्रू विशाल सर हमने ये घोड़ा खरीद लिया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उसमें सर मैं एक बहुत बोल दूँ कि मैं अपना ट्रेडिंग का कुछ काम नहीं है, लेकिन बस अपने अनुभव के हिसाब से मैंने आपको एक सजेशन दिया। साथ में ये बुरा भाई भी जो येवला के, उनके पास में चाल वाला घोड़ा मिला आपको। सवेरे से अपन काफ़ी घोड़े देखे लेकिन कुछ व्यवहार नहीं बेटा, कुछ चीज़ें अपने को पसंद नहीं, लेकिन बच्चों के हिसाब से ये घोड़ा सूटेबल था, वे हिसाब से अपन ने देखा। तो सर बाकी और आपको इस घोड़े में क्या खासियत अच्छी लगी? घोड़े की चाल बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, और शांत स्वभाव का है। बराबर बराबर, जिसका टेम्परामेंट हमारे बच्चों के लिए नहीं, जो बच्चे सीखेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। बराबर बराबर, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। बाकी कलर वगैरह भी बहुत बढ़िया है इसका। कलर ये कुमेत कलर आएगा ना भूरा भाई? कुमेत कलर, और मार्किंग क्या आएंगी? 3 पैर सफेद है इसके और माथे पे तिलक है, और काफी बढ़िया चाल में चलता है, 30-32 की चाल में चलता है ये हमारे। हाँ भैया से भी? अच्छा स्कूल है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। हमारे स्कूल के साथ अटैच है। अच्छा अच्छा, और सभी इसमें मदद करते हैं। तो सर फिर अपना जैसा अभी बच्चों के राइडिंग के हिसाब से, ये आपने कैसे दिमाग में आया कि बच्चों को राइडिंग भी करवाना चाहिए, ऐसा क्या है? राइडिंग के वजह से बच्चों का कोर स्ट्रांग होता है। हाँ हाँ, उनको घोड़ों का जो हमारा पुराना ये है उससे उनका अटैचमेंट पड़ता है। बराबर, कोर स्ट्रांग होता है, इसलिए हमने स्कूल में हॉर्स राइडिंग स्टार्ट किया। अच्छा, तो सर अपने स्कूल में फर्स्ट टाइम घोड़े रख रहे, तो कैसा अनुभव रहेगा आपका कि पहले इसके केयर टेकिंग वगैरह आप किसके हाथ में रहेंगे? अभी प्रोफेशनल लोग रखे हैं। हाँ हाँ, प्रोफेशनल पूरा डाइट वगैरह रखे। अच्छा, पूरा उनका ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी इसके अलावा और कुछ घोड़े भी लेने का विचार रहेगा क्या? भविष्य में ले लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और मैं सभी सब्सक्राइब को विनती करता हूँ, विशाल सर का चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। आप आए सुबह सवेरे से, आप मुझे लगा मतलब 2-3 दिन से अपना कांटेक्ट में ही थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आपको कॉल किया था मैंने। चलो थैंक यू सर, आपने जो समय दिया, और अपना अभी आप निकलने का वक्त है और घोड़ा भी अभी गाड़ी में भर के निकल जाएगा। यस सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू।